लगा ही रहा था कि इंडिया गठबंधन का नाम सुन सुनकर सत्ताधीन पार्टी और उनका गठबंधन यानी एनडीए कहीं ना कहीं घबरा गया है, इनकी सांस फूलने लगी है। लेकिन क्या बीजेपी के साथ साथ ये घबराहट आरएसएस में भी पैदा हो गई है? ये सवाल है कि क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी इंडिया गठबंधन से डर गए हैं? अब ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मोहन भागवत जी ने बयान ही कुछ ऐसा दे दिया है। क्या कहा है उन्होंने जिसकी चर्चा यहाँ नहीं बल्कि अमेरिका तक हो रही है, आपको उस खबर में हम बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द वीपीएन टीवी। इंडिया बोलना छोड़ दो, भारत बोलो, ये बयान है आरएसएस मुखिया मोहन भागवत का। इनके बयान का वीडियो जो है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने शेयर किया है। इन्होंने कहा है कि बाहर भी जाते हो तो इंडिया मत बोलो, भारत बोलो। मगर सवाल ये कि ये अपील इनकी तरफ से पहले तो कभी नहीं की गई थी, अचानक से देश में विपक्षी गठबंधन के नाम की गूंज क्या सुनाई देने लग गई? क्या उसके बाद ये ख्याल आया है? क्या विपक्षी गठबंधन का नाम अब आरएसएस को भी अंदर ही अंदर खाने लगा है, सताने लगा है? ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं आपको तब समझ में आएगा दोस्तों जब आप मोहन भागवत का बयान सुनेंगे कि उन्होंने क्या कहा है जिसके चर्चे अमेरिका तक हो रहे हैं। बिना देर के वीडियो आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो देखिए आप। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है जी। तो अब ये भी शुरू हो गया है, आरएसएस प्रमुख भी वही कह रहे हैं जो थोड़े समय पहले तक बीजेपी और उससे जुड़ा गठबंधन कह रहा था। लगातार इंडिया गठबंधन को बीजेपी की तरफ से तरह तरह के नाम दिए गए, मोदी जी ने घमंडिया भी बताया। हालांकि दोनों की सोच देखिए बड़ी मेल खाती है, आरएसएस और बीजेपी की, अभी से नहीं काफ़ी समय से मेल खाती है। सवाल ये उठ रहा है कि कहाँ कहाँ से इंडिया का नाम हटाएंगे आप बताइए। जब हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खेलकर जीत हासिल करते हैं ना, और हमारे देश का तिरंगा उनके हाथों में होता है, वहाँ उनके पीछे इंडिया लिखा होता है। जब देश के प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं ना, उनका स्वागत सत्कार होता है तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। विदेशों में जाने वाले हमारे नागरिक, प्रवासी नागरिक कह लीजिए या दूसरे नागरिक कह लीजिए, स्टूडेंट्स कह लीजिए, उनको इंडियन स्टूडेंट्स कहा जाता है, क्योंकि भारत और इंडिया दोनों एक है। लेकिन अब आपको इंडिया और भारत भी अलग अलग लग रहा है या अलग अलग करना है, क्योंकि इंडिया अब विपक्षी गठबंधन का नाम है। तो ये तो सच में देखिए हद हो गई ना, कुछ तो ऐसा किया जाता जो अलग हो। बीजेपी भी वही कर रही है, आरएसएस भी वही कर रही है, लेकिन क्यों कर रही है ये समझ से परे है। आप कहते हैं कि आपको इंडिया गठबंधन से कोई डर नहीं है, वो 26 से 28 दलों का जो गठबंधन है वो आपकी सांस नहीं फुलाएगा, वो किसी भी तरीके से आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, वो किसी भी तरीके से आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन फिर उसके बाद इतना ज़्यादा डर क्यों छलक रहा है आपकी बातों में? भारत और इंडिया दोनों एक है, शुरू से लेकर अब तक इंडिया भी बोला गया है भारत को और भारत भी बोला गया है भारत को, भारत बोलने में भी कोई संकोच नहीं है। लेकिन जब बाहर जाते हैं, किसी अंतर्राष्ट्रीय किसी देश में जाते हैं, दूसरे देश में, तो वो हमारी भाषा नहीं समझ पाते, वो हिंदी नहीं समझ पाते, तो उनके सामने इंडिया कहा जाता है और इंडिया बोलकर भी उतना ही फ़ख्र महसूस होता है, भारत बोलकर भी उतना ही फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि है तो हमारा देश ही। यहाँ इंडिया गठबंधन जो है दोस्तों, पूरी तरीके से इंडिया जो है नाम रखा गया है इन विपक्षी गठबंधन का। और जब से ये नाम रखा गया है, हमें नहीं मालूम कि क्या दिक्कत हो गई, क्या परेशानी आन पड़ी है कि लगातार जो है इस गठबंधन पर निशाने साधे जा रहे हैं। कभी मोदी जी साधते हैं, कभी भागवत जी साधते हैं, कभी कोई तो कभी कोई। लेकिन क्या इसमें तुक है? आप ही बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।